My wife Kanu is going there. बोल देना तेरा मुंह से बनते देखे भाई रिश्तेदारी मार के मारा मार रही भाई हमारी रिश्तेदारी मारा कर आए हो रिश्तेदारी मारे भैया ये है भाई अपना लड्डू जिसकी हमने चर्चा कर रहे थे जिसकी ड्रेस बनाई है कल लेपरा हो गएगा आज और मैं भाई कम से कम डेढ़ महीने बाद चला रहा हूँ भैया अपना फूड ट्रक जी राम राम जी कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों वेलकम है आप सबका एक और नए व्लॉग में तो भाई नया दिन नई शुरुआत संडे का दिन है भाई और आज हमने जाना है अपने घर यमुनानगर तो भाई मैं उठा था मैं लेट ही उठा करूँ बाकी मैम साहब तो जल्दी उठ जाती है मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप सब आलू का पराठा खाओ दिखाओ और अच्छा ये तो क्या सिंपल है मेरी भाई डिमांड थी मेरी मम्मी ना डबल करका बनाया करा लेकिन इस पा बनाने नहीं आते करनू पा तो आज इसने पहली बार ट्राई करे हैं बनाए तो खैर अच्छे हैं पर साइज बड़ा हो गया था पर मैंने खा लिया आधा कोई दिक्कत नहीं है पूरी प्लेट इतना पराठा मैं रेडी हो गया हूँ भाई नहा धोगा और इन मैं करा रहा हूँ बाल सेट देखते हैं बंदा मेरे बाल कैसे सेट करता है उम्मीद तो है कि बढ़िया सेट करागा बाकी देखो यस ये होया भाई मेरे बाल सेट पता नहीं कैसे लग रहे होंगे कैसे नहीं बाकी वैसे ठीक लग रहे हैं जो मेरे नॉर्मल करली बाल रहा खैर उनके तो ठीक है ना सही सा लग रहा है ना सही बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा ठीक है आपको मिलते हैं 10 रुपये 50 पैसे 50 पैसे का क्या फिर 11 कर दो पूरे 11 का शगन का शगन का तो होएगा ठीक कर देंगे जी ठीक है साल का लगना इस चीज में ठीक है लोन करना है फाइल प्रोसेसिंग में ठीक है आज जी दोस्तों तो भाई अब हम जा रहे हैं 17 सेक्टर मतलब कि बस स्टैंड पे क्योंकि अपनी बस वहीं से है और साथ में है मेरी कन्नू इसका फ़ोन ख़राब हो रहा था फ़ोन ठीक हो चुका है और ये रहा अपना जहाज जा रही अपनी छोटी सी अटैची सो गाइस वी हैव रीच्ड एट बस टर्मिनल सेक्टर 17 एंड माय वाइफ कानू इज गोइंग देयर यहाँ खड़ी है भाई अपनी बस हमने टिकट भाई ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है बस हमने सीट पर बैठना है 3:40 पर बस चलेगी 2.5 घंटे में पहुँचा देगी यमुना नगर तो मित्रों हम पहुँच चुके हैं भाई यमुना नगर और हम बैठे हैं अपने शहर की लोकल बस में जो जाएगी सीधी हमारे गांव से होते हुए हाँ जी दोस्तों तो भाई उतर गए हम अपने गांव के अड्डे पे बस में से आज भी रोडवेज में सफ़र करें और हाईवे अब तक नहीं बना देख लो सरकारी काम अब तक रुक रहे हैं और भाई घर कोई था नहीं लेके आने वाला भी कोई हमने लेना जंदा अड्डे पर राधा ही है राधा पीछे साइकिल पे दिखाऊंगा थारे ये देखियो तो मैं लेने भैया राधा आई थी राधा बाकी लेने आई थी जो देखने आई थी कि हां भाभी आई कि नहीं आई यही बात आई थी पूछ लो जीजा साइलेंस में जो झूठ इतनी बोल दिया ना तेरा मुंह सब बनाते देखे भाई रिश्तेदारी मार के मारा मार रही भाई हमारी रिश्तेदारी मारा घर आए हो रिश्तेदारी मारे भैया हमारा घर है जीजा तुम दूर रहने लग गए भाई अच्छा फिर घर तो घर हमारा मतलब चल बैठ दे तो दोस्तों पहुंच गया हम अपने घर और मैं आप सब ते मिलवाऊं लड्डू जी थे लड्डू लाले थे ये है भाई अपना लड्डू जिसकी हमने चर्चा कर रहे थे जिसकी ड्रेस बनाई है कल ले प्रा होगेगा आज कल ले प्रा होंगे और ये कौन है यार भाई यहां मेरी बहन जी और मेरा भांजा शिवांस जी गाइस तो अब मैं जा रहा हूं भाई अपने फूड ट्रक पे जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता होगा कि भाई अपना फूड ट्रक भी है जो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर लगाते हैं हम जब से हम भाई मोहल्ले शिफ्ट हुए हैं तब से मेरे भाई के पास मेरे डैडी चले जाते हैं शाम को तो आज मैंने डैडी को फ़ोन कर दिया था कि आप घर आ जाओ मैं चला जाऊँगा तो अभी अभी डैडी घर आए थे और मैं जा रहा हूँ भाई अपने फूड ट्रक पर अपनी दूसरी रानी पर तो अब मैं चले जा रहा हूँ भाई बाकी दिखाते हैं आपको एक बार मैं फूड ट्रक पर पहुँच चुका तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ भाई अपने फूड ट्रक पे ये अपना फूड ट्रक
बाकी अगर आपने पूरा देखना है तो मेरे चैनल पे भाई पूरी वीडियो पड़ी है, जब मैंने दिखाया था अंदर से आप देख सको, जो मैं बैक साइड से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ही सारा किचन वगैरह है जहाँ पे सामान बनता है। तो दोस्तों पैकअप का टाइम हो चुका है भाई, और वो सामान रखे भाई घर वास्ता, घर से डिमांड आई थी सैंडविच बना दो, फ्राइज बना दो, बाकी मैंने ऐसे ऐसे गार्लिक ब्रेड बनाए हैं भाई, वह भी डिमांड थी मेरी छोटी बहन की। तो बस चलते हैं तो भाई, अब जा रहे हैं भाई फूड ट्रक ने लेगा, मतलब कि आज का दिन हो चुका है ओवर, और मैं भाई कम से कम 1.5 महीने बाद चला रहा हूँ भाई अपना फूड ट्रक। आज तो काफी अजीब सा लग रहा है मैंने चलाते। तो भाई आ चुके हैं घर फूड ट्रक पते, और इधर हम चला रहे हैं अपना ठीक है। बस भी कितनी बार बतावा कि तेरा फोन ठीक हो गया। या फिर मैं फोन ठीक होगा, मैं कितने खुश हूँ आपको पता नहीं मेरी खुशी। फिर आज तो पूरे गप्पे सप्पे मारे थे ना, कम से कम मारे, मेरे को नींद भी आ रही, मैं सोई भी नहीं गप्पों के चक्कर में। सही है, आप सोऊंगी। तो दोस्तों ये थी फिर आज की हमारी दिनचर्या भाई। चक्कर क्या था, आने के चक्कर में भाई देखा कुछ सामान रह ना जा, जल्दी जल्दी गए बस ना छूट जा, ठीक है। और भाई पता ही नहीं लगा आज का दिन तो कैसे बीता कैसे नहीं। और भाई मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सब से कि आपने पीछे थोड़ा ज़्यादा प्यार दिखाया, लेकिन अब आप लोगों का प्यार ना कम हो गया, 2-4 व्लॉग्स जो मैंने देखे हैं उनमें आपका प्यार बरस नहीं रहा। तो मैं आप सब से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप शेयर करो, सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना भाई हम कुछ नहीं हैं। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तभी फिर हर रोज़ व्लॉग बनाने का मज़ा आएगा, अगर आप सपोर्ट करना छोड़ दोगे तो फिर व्लॉग कभी कभार आया करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ पहले हुआ था और मुझे लग रहा है कि अब भी ऐसे ही होगा। तो प्लीज़ आप सब से ये मेरी गुजारिश है, शेयर कर दिया करो, अगर आप लोगों को हम अच्छे लगते हैं अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बताया करो, अगर नहीं लगता अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब कर दो। बाकी दोस्तों आज का तो छोटा सा व्लॉग इसलिए था क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम सिर्फ एक रात के लिए ही आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम भी करना ज़रूरी है, तो कल को हमें जाना है, कल को हमारी 2:20 की बस है, इसलिए व्लॉग के शॉर्ट्स लेने का टाइम नहीं लगा। बस दिन बीत गया जो भी था, जैसे भी था आपने देखा ही है। तो करते हैं फिर इस धारावाहिक को यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं फिर नए धारावाहिक के साथ। और दोस्तों मैं आज सो रहा हूँ अपने दूसरे घर, मैं बाहर की साइड सो रहा हूँ भाई, मतलब कि बरामदे में, क्योंकि भाई यहाँ ठंडी हवा लगा बढ़िया एकदम, और ये पंखा बिना बाहर से ठंडी हवा खींचा है। कमरे में मैं सो नहीं रहा, कमरे में मेरा छोटा भाई सो रहा है। तो ठीक है फिर दोस्तों, राम राम।